चंद्रशेखर आजाद ने एक बार फिर से बहुजन समाज का सीना किया चौड़ा। एक साल पहले अमेरिका के टाइम मैगजीन में दुनिया के 100 नेताओं में चंद्रशेखर आजाद को भी शामिल किया गया था। टाइम मैगजीन का कहना था कि भारत के सबसे बड़े उभरते नेता हैं चंद्रशेखर आजाद। और ठीक एक साल बाद यानी आज बहुजन समाज के लिए खुशी की खबर है, चंद्रशेखर आजाद का नाम PhD एग्जाम में भी आ गया है। खास बात तो यह है, चंद्रशेखर आजाद ने जुलाई 2015 को भीम आर्मी का गठन किया और चंद्रशेखर आजाद भीम आर्मी के संस्थापक बन गए, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह बने। उसके बाद भीम आर्मी संगठन के जरिए चंद्रशेखर आजाद लगातार पूरे भारत में संघर्ष किए। संघर्ष के दौरान चंद्रशेखर आजाद बहुजन समाज पर हो रहे अत्याचार और जुल्म के खिलाफ पीड़ित परिवार के घर पहुंचकर अपनी आवाज़ को बुलंद करते थे। ऐसे लगातार 5 साल संघर्ष करने के बाद चंद्रशेखर आजाद ने 15 मार्च 2020 को राजनीतिक पार्टी बनाई, जिसका नाम आजाद समाज पार्टी रखा। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद खुद बन गए। फिर हाल ही में टाइम मैगजीन के बाद जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय नई दिल्ली में PhD एग्जाम पेपर में आजाद समाज पार्टी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद का नाम आता है। पेपर में सवाल के रूप में पूछा जाता है, हु इज द फाउंडर ऑफ द आजाद समाज पार्टी कांसीराम। सवाल पूछ रहा है कि आजाद समाज पार्टी के संस्थापक कौन हैं। सवाल में आंसर के रूप में 4 नाम दिया गया है, ए कांसीराम, बी रामविलास पासवान, सी मायावती, डी चंद्रशेखर आजाद। इस सवाल का जवाब हम आपसे जानना चाहते हैं, आजाद समाज पार्टी के संस्थापक कौन हैं? अपनी कीमती प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो भीमराज दस्तक चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक जरूर करें। और वंचितों की आवाज़ उठाने के लिए आर्थिक सहयोग चैनल को जरूर करें। ऑनलाइन पेमेंट नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।